तो कैसे हो मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस तो भाई एक छोटी छोटी बातें क्लियर करते हैं यार काफ़ी सारे भाइयों के मन में होता है मोटरसाइकिल को पेंट कराने का मोटरसाइकिल को डेंट निकलवाने का मॉडिफिकेशन कराने का ये बहुत सारे डाउट होते हैं पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पे मेरे को डेंट पेंट करवाना है गाड़ी को पूरा एकदम चक्का चक् एकदम मक्खन करवाना है तो इन सब के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे अगर आप कराना चाह रहे हो अपनी बाइक को पूरा पेंट तो आपको किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिसके ध्यान देने पर आपकी गाड़ी में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल आएगा तो उस पर ध्यान देने से पहले इस वीडियो पर ध्यान दे लो और इसको वीडियो को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को फिटाफट फिट देते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी बाइक की आरसी की आपकी बाइक की आरसी पे कौन सा कलर आपकी बाइक का है एक बाइक लेते हैं उस बाइक का कलर एक ब्लैक पूरा कंप्लीटली ब्लैक है और स्टिकर उस पे हरे कलर के हैं कोई सी बाइक मान लेते हैं हम अब उस बाइक की जो आरसी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस आरसी पे उस बाइक का जो कलर चढ़ा हुआ है वो है ब्लैक ग्रीन वगैरह नहीं चढ़ा हुआ ब्लैक चढ़ा हुआ सिर्फ, है सिर्फ ठीक है ब्लैक चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी बाइक को इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो जिसमें आपको 80 परसेंट एरिया जो है ब्लैक रखना है बाकी 20 परसेंट एरिया आप कोई सा भी रख सकते हो उससे कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अगर आपने अपनी बाइक को आर सी जो कलर लगा हुआ उसको हटा के आपने आर सी पर तो ब्लैक कलर रहने दिया पर बॉडी का आपने कलर चेंज करके अपनी बाइक को पूरा वाइट कलर बना दिया या ग्रीन कलर बना दिया या ब्लैक कलर की जगह सफ़ेद की जगह मतलब सफ़ेद कलर बना दिया या फिर एक ब्लू येलो नीला पीला जो भी कर दिया तो उससे आप इलीगल हो जाएगा और आपका चालान हो सकता है जिससे आपको बहुत नुकसान होगा काफ़ी सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी है डेंट करो पेंट करो मोटिवेशन करो ये करो वो करो बट एक्चुअली में जो रियलिटी होती है वो कोई भी शो नहीं करता है मैं बता देता हूँ ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको डार्क साइड भी पता हो और पॉजिटिव साइड भी पता हो ओके <laughs> एक वीडियो बनाई थी मैंने पहले भी सेल्फ लगाने के बाद उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान देना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ठीक है तो यहाँ तो ये तो यह चीज़ क्लियर हो जाती है अब बात करते हैं पेंटर के लिए मैंने कुछ पॉइंट है जो नोट कर रखे हैं जो अब बात करते हैं हमारी बॉडी का पूरा वर्क कराना है या फिर थोड़ा बहुत पेंट कराना है काफी सारे भाई होते हैं जिनकी गाड़ी पूरी एकदम नई होती है एकदम परफेक्ट होती है पर उनको टंकी जो होती है टंकी सिर्फ टंकी का ही पेंट कराना होता है पर उनके मन में बहुत डाउट होता है डर होता है कि यार मेरी गाड़ी का जो कलर है पूरी गाड़ी का वो अलग ना हो जाए और मेरी टंकी का कलर अलग ना हो जाए मतलब एक ऐसी मिसमैचिंग ना हो जाए कि यार बस मैं परेशान हो जाऊँ देखूँ कि यार ये क्या हो गया कलर टंकी का एकदम नया लग रहा है और बाइक का कलर अलग लग रहा है एकदम तो नया लग रहा है तो ये चीज़ मैं आपको एक, आपको क्लियर कर देता हूँ अगर आप किसी ऐसे पेंटर के पास जा रहे हो जिसने कभी मोटरसाइकिल का पेंट नहीं किया है जो सिर्फ ऐसी छोटा मोटा पेंट करता है तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि आपको वो हंड्रेड परसेंट कर सकता है पेंट के मामले में दूसरी चीज़ आप जिस भी चीज़ पे पेंट करा रहे हो जैसे मैं चलो आप एक बुलेट गाड़ी पे पेंट करा रहे हो तो बुलेट गाड़ी की टंकी टंकी पेंट करानी है आपको तो बुलेट में टंकी के साथ साथ आपको मरगाड भी कराना है पेंट साइड के बगल में जो पैनल होते हैं वो भी कराने हैं और भी रियर मरगाड भी कराना है क्योंकि कोई भी हमारी बाइक में कोई भी अगर हमने एक नई बाइक ली है एक शोरूम से निकाल के नई बाइक ली है और उसके अंदर टंकी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम टंकी जब नई खरीदेंगे ना तो हमारा उसमें कोई मिसमैचिंग नज़र नहीं आएगी बट अगर हमारी 10 साल 5 साल 6 साल पुरानी गाड़ी है और उसकी टंकी के अंदर हमें पेंट कराना है तो वो टंकी एकदम अलग ही चमकती है चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया बंदा हो पेंट करने वाला तो उसकी टंकी का पेंट एकदम अलग ही दिखेगा बॉडी का पेंट एकदम अलग ही दिखेगा तो उसके रीज़न को बचने के लिए उसकी परेशानी को बचने के लिए आपको अपनी गाड़ी की पूरी बॉडी पेंट करानी पड़ेगी उसके अलावा कोई इलाज नहीं होता उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात लिखा है आप अगर अपनी गाड़ी का पेंट पूरी कंप्लीटली बॉडी का पेंट कराना चाह रहे हो जैसे मान के चलो तो एक एक्टिवा स्कूटी है और पेंटर के पास आप ले गए पेंटर आपसे बोलता है कि भाई मैं पूरी गाड़ी को पेंट कर दूंगा ये वो और तीन साढ़े तीन चार हजार पांच हजार जो भी पैसे बता रहा है वो ले लूंगा आपसे ठीक है वैसे ज्यादा लगते हैं एक अच्छा पेंट कराना तो आपकी गाड़ी को वो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें गाड़ी का कंप्लीट काम होने से पहले एक आर्ग्यूमेंट होने से पहले एक कमिटमेंट होने से पहले ये चीज़ों का ध्यान रखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला जो पेंटर पेंट कर रहा है वो पूरी कंप्लीट स्कूटी की बॉडी को बाहर निकाल कर बाहर निकाल कर सारे पार्ट्स को बाहर निकाल कर फिर उसकी गाड़ी के पे पेंट करना है काफी सारे पेंटर होते हैं वो पूरी बॉडी को फिट में ही पेंट कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में बहुत परेशानी होती है और बिल्कुल भदरंग हो जाती है गाड़ी मतलब पैसे भी जा रहे हैं और टाइम भी वेस्ट हो रहा है और जो काम में सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा तो यही आपके साथ दुर्घटना हो सकती है तो ध्यान रहे अगर स्कूटी के अंदर या बाइक के अंदर किसी भी चीज़ में पेंट करा रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीटली चीजों को बाहर निकलवा के खुलवा के पेंट करवाना है अगर यहां पे मैं सब चीज़ों को साइड में कर दूं और एक मोटरसाइकिल की बात करूँ मान के चलो 10 साल पुरानी गाड़ी है उसके इंजन को पेंट कराना है आपको तो इंजन को पेंट कैसे कराओगे अगर आप डायरेक्ट पूरी गाड़ी लेके जाओगे ना पैसा बचाने की कोशिश करोगे तो पेंटर आपको बोलेगा ठीक है ठीक है इंजन में उतरवाऊँ ऐसे ही पेंट कर दूंगा बट एक्चुअली मैं वो इंजन जब पेंट करेगा तो बिना इंजन उतारे उसकी फिनिशिंग वैसी नहीं दे पाएगा जैसी आप चाहते हो जैसी एक अच्छी फिनिशिंग होती है उसकी फिनिशिंग अच्छी देने के लिए आपको इसका इंजन पूरा उतरवाना पड़ेगा उसके बाद उसकी सफाई होगी घ्रिसिंग होगी मतलब घिसिंग घिसिंगाई घिसाई विसाई ये सब चीज़ होगी रेखमल वगैरह लगेगा उसके बाद उस पर पेंट होगा और उसके बाद पेंट होने के बाद फिर दोबारा एक और पेंट होता है जिससे हमारी साइनिंग आती है कहने का मतलब दो तरीके के पेंट होते हैं कहने का मतलब मेरा ये है कि पेंट गाड़ी का इंजन उतारने के बाद ही पेंट हो अच्छा होगा एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेंट जब भी आप अपनी गाड़ी में करा रहे हो या कोई भी ऐसा पुर्जा ले रहे हो जिससे पेंट करा रहे हो तो उसी दुकान में पेंट कराएं जिसके पास पेंट करने के लिए जगह होती है उसके पास पेंट कराने से पहले दस बार सोचना कि जिस बंदे का काम पेंट हुआ रोड पे हो रहा है मेन रोड पे हो रहा है तो वो पेंट जो कर रहा है मेन रोड पर देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं प्लीज बुरा मत मानना मैं सच्चाई बता रहा हूँ पेंट एक ऐसा काम होता है जिसमें आपको हमारी जो हवा होती है उस हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ध्यान से समझना अब किसी भी चीज को अब पेंट को लेकर तुलना की जाए तो डस्ट पार्टिकल्स यानी कि इस वायु वायु मतलब वायु जो दिख रही है आपको जो हवा होती है उस नेचुरल हवा के बीचों बीच एकदम खुले मैदान में अगर आप पेंट करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता किसी भी हाल में सिर्फ आपको दो ही बातें मिलेंगी अरे कोई बात नहीं ये जो बबल्स आ रखे हैं ना ये बबल्स क्यों आते हैं बबल्स आते हैं आपका नॉर्मल जो एक नेचुरल एयर होती है ना उसके बीच में पेंट करने में आते हैं वो बबल्स नहीं होते वो एक्चुअली में डस्ट होता है उसकी वजह से प्रॉपर वहां पर एकदम नेचुरलिटी नहीं आ पाती स्मूथनेस नहीं आ पाती पेंट में और बाद में फिर बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि यार मैंने किससे पेंट करा लिया तो ये चीज आपको ध्यान देनी है मैं सिर्फ आपको ये चीज बता रहा हूं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है ठीक है पेंटर हमेशा अपने पास एक ऐसी जगह रखें जहां पर हवा का बिल्कुल भी अटैचमेंट ना हो अगर हो भी तो एकदम साफ सुथरी जगह हो और बहुत ही अच्छा एरिया हो जहां पे पेंट करे वो ठीक है खुले मैदान में खुली सड़क पे खुली रोड पे पेंट नहीं होता किसी भी वाइक का अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप अपनी गाड़ी की रेड मवा रहे हो खुद ही अपने हाथों से खुद ही बोल रहे हो ये पैसे भी लो रेड भी मार दे इसकी गाड़ी की ऐसा ही होगा और अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप जाकर ट्राई कर सकते हो आपको कम से कम दस चक्कर लगवाएगा उसके बाद जाकर सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा तो दस चक्कर लगाने का ना आपके पास टाइम होगा और ना ही आपकी बाइक के पास टाइम होगा ठीक है कि वो पेट्रोल इतना ज़्यादा पिएगी तो फिर दिक्कत आएगी ठीक है उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता वो है हमारी गाड़ी के डेंट जब कोई पेंटर किसी भी बाइक को पेंट कर रहा है तो उसके अंदर डेंट होते हैं काफी सारे डेंट होते हैं देखो छोटे 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 डेंट होते हैं तो काफी सारे पेंटर क्या करते हैं चीजों से यानी मेहनत से बचने के लिए वो डेंटर जो होते हैं डेंट पेंट एक तरह से तो पेंट जब हो रहा है ना गाड़ी में तो डेंट में भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि डेंट को फोकस नहीं करोगे तो पेंट में पे मजा नहीं आएगा कॉमन सी बात है ठीक है अब ये जो बॉडी होती है इस बॉडी के ऊपर पेंट होना है ठीक है एक बात कह रहा हूं तो पेंट होने से पहले उसको पूरा घसाई करना पड़ेगा उसका उतरा वो पहले का जो पेंट है उतारना पड़ेगा केमिकल से उसके, उसके बाद उसकी पूरी तरीके से घिसाई होगी फिर जो डेंट होते हैं वो निकलेगा डेंट और डेंट निकलने के बाद एकदम प्रॉपर तरीके से डेंट सेट होगा उसके बाद उसके अंदर पुट्टी भरी जाएगी उसके बाद जाके उसके ऊपर तरीके से जो एक प्राइमर होता है वो लगेगा उसके बाद उस उसमें घिसाई होगी फिर उस पर पेंट होगा ठीक है फिर उसके पेंट होने के बाद लैकरा लगेगा जो एकदम प्रॉपर तरीके से एक थिन एक स्मूथनेस देता है ठीक है अब यहाँ पे लोग बचते हैं वो क्या बचते हैं पेंटर क्या करता है डेंट पेंटर जो होता है ना ज्यादातर वो डेंट नहीं उतारता ज्यादातर जो होता है बाकी कुछ कुछ पेंटर होता है जो डेंट भी निकाल लेते हैं अब यहाँ पे क्या होता है डेंट जब एक कोई ऐसा डेंट होता है जो नहीं निकल पाता चले हटा तो उसमें वो पुट्टी भर देते हैं व्हाइट कलर की बहुत ज्यादा मात्रा में पुट्टी भर देते हैं तो किसी भी डेंट के अंदर पुट्टी ज्यादा मात्रा में ना भराएं अगर ऐसा आप करते हो तो पेंट वाला क्या करेगा उस पुट्टी को भर के घिसाई करके पेंट कर देगा बाद में बाद में क्या होगा वो पुट्टी साइड से चटक के निकलने लगेगी और एकदम से पपड़ी बनकर निकल जाएगी और बाद में आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और जब वो निकलेगी तो उस टाइम में कम से कम साल भर या सात आठ महीने हो चुके होंगे एकदम से इमीजिएटली कोई भी चीज़ नहीं निकलती है ठीक है तो ये चीज मैं आपको क्यों बताई क्योंकि आप छः सात महीने बाद साल भर बाद जब उसके बाद जाओगे तो वो इस चीज़ों को भूल चुका होगा क्या मैंने इस गाड़ी का पेंट भी किया था क्योंकि कोई भी अगर कोई भी काम कर रहा है अपनी बाइक का या तो वो गारंटी ले रहा है और गारंटी कार्ड में आगे दे रहा है तो एक तरह से रिस्पॉसिबिलिटी हो जाती है एक प्रॉपर जिम्मेदारी हो जाती है बट अगर मुद्दे पर बात हो रही है सिर्फ बातों में बात हो रही है तो वो फिर चार पाँच महीने ही तो दूर की बात है ये साल भर तो दूर की बात है मुश्किल से दो तीन हफ्ते या एक महीना मैक्सिमम याद रखता है बंदा कि हाँ इस गाड़ी का मैंने पेंट किया था इस गाड़ी का मैंने तरीके से काम किया था तो यही सारी चीज़ होती है उसके अलावा पेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रबिंग रबिंग कौन सी कर रहा है वो बंदा काफी सारे भाई होते हैं सस्ते के चक्कर में जाते हैं बहुत दुनिया भर की सस्ती पोले आती है सस्ते रबिंग आते हैं वो यूज करते हैं कभी भी अगर आप अपनी गाड़ी में पेंट करा रहे हो तो पेंट वाले से पहली क्लियर कर लो हर चीज को किस तरीके से प्रोसेस को करेगा किस तरीके से क्या करेगा और उसको ये जरूर बोलना कि भाई पेंट जो तू करेगा ना उस पेंट को इस तरीके से करना है कि एक नई गाड़ी शोरूम की खड़ी भी करूँ ना मैं तो सामने मेरी गाड़ी पेंट हुई हुई वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए अगर हल्का सा भी एक पर्सेंट में फर्क आया ना तो मैं पैसे वैसे में देगा भाई दिक्कत करूँगा पहले वैली बता रहा हूँ मतलब कहने का मतलब है कि मेरे को पूरा एकदम नेचुरली वैसी चीज़ चाहिए जैसी मुझे चाहिए उसके अलावा रबिंग जो होगी ना उस पर थ्री एम कंपनी की रबिंग होगी थ्री एम कंपाउंड रबिंग होती है थ्री एम की मरीन पेस्ट आता है रबिंग होती है उस पर रबिंग होगी और वो भी पेंटर करता है की कस्टमर करता है या कोई मैकेनिक करता है पेंटर करता है ये भी आपको बात पहले डिस्कस तो ही डिस्कस करनी पड़ेगी तो यही इतना ही मैंने बताना था वीडियो में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैंने काफी चीज बता दी है आपको अगर आपको लगता है छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम आई है तो मुझे कमेंट करके बताना बाकी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं यूट्यूब देता रहता हूं अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैलाइकन दबा सकते हो इंस्टाग्राम पर भी मैं काफी सारी नॉलेज शेयर करता रहता हूं छोटी छोटी बातें शेयर करता रहता हूं आप वहां पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच एंड बाबा ऐसी वीडियो और बनानी है तो नीचे कमेंट करके बताएं ऐसा आपके साथ हुआ आपको पेंटर ने काटा है बिल्कुल एकदम गोली दी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू सो मच एंड बाय टेक केयर